Hello everyone. Good afternoon everybody. Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the test book. सभी लोग बताएंगे जल्दी फटाफट. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं. प्रणाम गोपाल. गुड आफ्टरनून वीरेंद्र. गुड आफ्टरनून प्रदीप. गुड आफ्टरनून सचिन. गुड आफ्टरनून कल्पना. गुड आफ्टरनून वीरेंद्र. जल्दी फटाफट बताएंगे सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं. फास्ट 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 यार जल्दी 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 जल्दी. तो गाइस एज यू ऑल नो दैट सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इस जो क्लास का मेन मोटिव क्या है. ठीक है, तो क्लास का मेन मोटिव तो आपको पता ही होना चाहिए. क्लास का मेन मोटिव आपको पता ही होना चाहिए कि क्लास का मेन मोटिव क्या है. क्लियर. चलिए और बच्चे आ जाए थोड़े से. गुड आफ्टरनून ज्योति. गुड आफ्टरनून सूरज. चलिए तो गाइस हम लोगों ने एक बहुत ही प्यारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था. ठीक है, आज से दो दिन पहले. और गाइस मैं बताना चाहता हूँ उस इनिशिएटिव के बारे में आप लोगों को, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे. तो गाइस इस इनिशिएटिव के अंदर हमने बेसिकली ये देखा. क्लियर है, इस इनिशिएटिव के अंदर हम लोगों ने बेसिकली ये देखा कि यार हर सब्जेक्ट्स को आप लोग डिटेल में पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है. हर सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हो, बहुत अच्छी बात है. बट कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं गाइस जो आपके हर जेई के एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं. तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज जिसका नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज, दैट इज कॉल्ड MIT. गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो सीरीज है इसके अंदर डेली दो एपिसोड होंगे, मतलब दो क्लासेस होंगी. एक होगी दिन में 1 बजे यूट्यूब पर. क्लियर है, जिसके अंदर अभी आप हो, जहां पे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे किसी ऐसे टॉपिक की जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं. साथ में उसी टॉपिक के रिगार्डिंग टेस्ट बुक की एप्लीकेशन पर शाम को 7 बजे. क्लियर है, शाम को 7 बजे ये टाइम कभी चेंज हो सकता है गाइस. कभी क्या मैं बता भी देता हूँ आपको कब टाइम चेंज होगा ये. ठीक है गाइस, आज ये टाइम और शाम को 7 बजे, कल से ये टाइम आपका 9:30 बजे हो जाएगा. ठीक है रे, उसके पीछे का रीजन से कि कुछ क्लासेस क्लैश हो रही थी जिस वजह से ये टाइमिंग को थोड़ा चेंज करना पड़ा. तो अभी ये टाइमिंग आज और 7 बजे, कल से ये टाइमिंग आपका 9:30 हो जाएगा रात को. क्लियर है गाइस, इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो सेकंड क्लास होगी हमारी डेली, उसके अंदर हम जो टॉपिक पढ़ा है 1 बजे, मतलब जिस क्लास के अंदर अभी आप लोग हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्विज करेंगे. और गाइस जो क्विज का विनर होता है उसको टेस्ट बुक की तरफ से वर्थ ₹7999 की स्कॉलरशिप मिलती है. क्लियर है, ₹7999 की स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे कि वो पेड बैच के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल तक पढ़ाई कर सकता है अपनी टेस्ट बुक पर. क्लियर है, 1 साल तक जो पेड बैच इलेक्ट्रिकल जेई लाइव बैच 4, जिसके बारे में भी मैं आप लोगों को अभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, उस बैच के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकता है इस स्कॉलरशिप को यूज करके. तो पहली बात तो यार आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल रहे हैं. अगर मैंने ऐसे 25 टॉपिक भी करा दिए आप लोगों को और 20 टॉपिक भी आपके एग्जाम में आ गए, तो हर टॉपिक से अगर एक क्वेश्चन आएगा तो 20 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे हैं आपके, आराम से आप करके आ जाओगे. प्लस प्लस शाम को उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्विज की क्विज के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी. तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन टॉपिक से आते हैं. तो भाई टॉपिक भी हो रहा है, प्रैक्टिस भी हो रही है, साथ में विनर बनने का भी मौका है. क्लियर, अब जो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर क्विज कितने बजे होती है, क्विज होती बेटा टेस्ट बुक की एप्लीकेशन पे लाइव होती है, जिसमें मैं भी अवेलेबल रहता हूं और इसकी लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा. ठीक है, हर बार क्लास के पहले करूंगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है. टेलीग्राम चैनल में क्लास के बाद आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा. आप अपनी मनमर्जी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना करें, टेलीग्राम चैनल आपको वो ज्वाइन करना जिसपे मेरी फोटो लगी हुई है, जो मैं आपको बताऊंगा. क्लियर है, ओके सर, ठीक है फाइन. तो गाइज आज आप लोग जो टॉपिक को देख पा रहे हो उसका नाम है सर्किट ब्रेकर का कॉन्सेप्ट. क्लियर है सर, मैं ज्वाइन है, ओके वीरेंद्र भाई, ओके. तो यार पहले तो सेशन को लाइक कर दो, पहले तो फटाफट सेशन को लाइक कर दे यार, ताकि अपन लोग सर्किट ब्रेकर के इस कॉन्सेप्ट को एक अद्भुत नजारे से देखने की कोशिश करें. इसका मतलब ये नहीं कि बेटा आज हम लोग पूरा सर्किट ब्रेकर पढ़ लेंगे, उसके पीछे का रीजन है पूरा सर्किट ब्रेकर पढ़ पाना एक ही बार में पॉसिबल नहीं होता, एक सिंगल शॉट में, थोड़ा लेंथी टॉपिक है. बट हाँ जितनी भी चीजें होंगी उतनी आपके काम की होंगी, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ. क्लियर, मतलब सर्किट ब्रेकर अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए बस बोला है सर. ठीक, और कुछ नहीं, इट टेक्स टाइम. चलिए सर, कल से क्विज कितने बजे होगी? 9:30 पे होगी रौनक भाई, शाम को 9:30. ठीक है, 9:30 शाम को 9:30. गुड मॉर्निंग अनुश्री. गुड आफ्टरनून गीता. चलो आज गीता भी आई है, बहुत बढ़िया, काफी दिनों बाद आई थिंक. चलिए गाइस, तो सर्किट ब्रेकर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. बेसिकली कि सर्किट ब्रेकर जो होता है आपका
किस तरीके की चीज है और क्या काम करने के काम आता है और ये क्या करने के काम आता है। तो जरा लॉजिकली समझेंगे सर्किट ब्रेकर के सामने, आपके सामने एक अजीब सा डायग्राम बना हुआ है, आपके सामने एक अजीब सा डायग्राम बना है बेटा। टाइमिंग जो क्विज की चेंज हुई है वो कल से होगी, आज नहीं हुई है, आज वाली शाम को 7 बजे ही होगी और क्विज वाली क्लास में मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोग बिल्कुल चेंज, आप लोग बिल्कुल पैनिक ना हो, ठीक है। चलो सर सर्किट ब्रेकर के बारे में बताओ सर। हाय मानता, सर्किट ब्रेकर के बारे में बताओ सर। तो गाइस सर्किट ब्रेकर के बारे में समझने के लिए आपके सामने एक बेसिक मैकेनिज्म को मैं लेके आया हूँ। ये मैकेनिज्म अभी आपको देखने में ऐसी लग रही होगी भयानक सी, लेकिन ये एक ऐसी बेसिक मैकेनिज्म है जो आपको ये बता देगी कि सर्किट ब्रेकर कैसे काम करते हैं, क्लियर है। और एक्चुअली में रिले क्या करती है, सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सब कुछ आपको ये मैकेनिज्म बताने का काम करेगी, क्लियर। फाइन सर, क्या होता है बेटा, ये लगा है आपका सोर्स। सोर्स मतलब जहां से आपको क्या मिलने वाली, बिजली, है ना, जहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली, इलेक्ट्रिसिटी का है सोर्स। तो अगर गाइस ये हमारा सोर्स है, ठीक है, अगर ये मेरा सोर्स है, ठीक है, और यहां लगाता हूं बेटा मैं सर्किट ब्रेकर, आप सबको दिख रहा होगा, ये आपको सबको सर्किट ब्रेकर दिख रहा होगा। एक सर्किट ब्रेकर के अंदर दो फिक्स्ड कॉन्टेक्ट होते हैं, मैं दिखा देता हूं आपको कहां है वो दो फिक्स्ड कॉन्टेक्ट। एक तो बेटा ये यहीं पे बैठा हुआ है, ये फिक्स्ड कॉन्टेक्ट है, ये फिक्स्ड कॉन्टेक्ट है, और गाइज ये एक होता है आपका मूविंग कॉन्टेक्ट। हाँ सर चेंज कर दीजिए, 7 बजे और लेक्चर होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, टाइम नहीं मिलता, रिकॉर्डिंग देख लेती हूँ, क्या बात है गीता, बहुत बढ़िया। चलो तो गाइज ये सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, सर्किट ब्रेकर के अंदर दो फिक्स्ड कॉन्टेक्ट है और ये एक आपका मूविंग कॉन्टेक्ट है, ओके फाइन सर। ये मूविंग कॉन्टेक्ट जो आपका है वो इस तरीके का है, ओके फाइन सर, ये भी बात समझ में आ गई सर, ये मूविंग कॉन्टेक्ट है, क्लियर हो गया। हाँ सर भाई इसके बाद क्या होता है जरा सुनना, ये आपकी वायर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है व्हाइट कलर की, और ये कहां तक गई है देखो, नीचे देखो कहां तक गया हुआ है बेटा, ये लोड तक गया है, ये वायर जो है वो कहां तक गया हुआ है सर, लोड तक गया है, ये वायर कहां तक गया हुआ है सर, लोड तक गया हुआ है, ये वायर कहां तक गया हुआ है सर, लोड तक गया हुआ है, फाइन सर। इसका मतलब सर शुरुआत में बेटा क्या होता है जरा सुनना, शुरुआत में क्या होता है जरा सुनना, शुरुआत में आपका जो ये मूविंग कॉन्टेक्ट बेटा ये आपके फिक्स्ड कॉन्टेक्ट से क्या रहता है, क्लोज रहता है इस तरीके का, फिक्स्ड कॉन्टेक्ट से क्या रहता है बेटा, क्लोज रहता है इस तरीके का। तो सोर्स से क्या होता है, यहां पे करंट आता है, सर्किट ब्रेकर में से जाता है और सीधा लोड को चला जाता है। तो बढ़िया, ये हमारा सिस्टम पावर सिस्टम में इस तरीके से वर्क करता रहता है, सोर्स से करंट आया 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 सर्किट ब्रेकर में गया, वही करंट कहां चला गया, लोड में। तो याद रखना बेटा सोर्स, सर्किट ब्रेकर और लोड तीनों किस में लगे रहते हैं, सीरीज में। सर्किट ब्रेकर हमेशा लोड के साथ कायम लगता है, सीरीज में, क्लियर हो गया, ठीक है। अब नॉर्मल वर्किंग कंडीशन जब होती है, नॉर्मल वर्किंग कंडीशन मतलब भाई कोई फॉल्ट फॉल्ट अभी नहीं है, है ना, ऐसी ऐसी कोई बातें नहीं करनी है कि फॉल्ट आ गया और ये आ गया वो आ गया। तो जब बेटा नॉर्मल वर्किंग कंडीशन होती है तो सोर्स की तरफ से लोड की तरफ बढ़िया करंट फ्लो होता रहता है, तो जितना करंट लोड में है वही करंट सर्किट ब्रेकर से भी फ्लो होता है और वही करंट सोर्स से भी निकलता है, ओके सर, फाइन सर। अब हमने क्या करा यहां पर बेटा, एक सोचा कि एक करंट ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करते हैं, किसको इंस्टॉल करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर को। अच्छा सर, करंट ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करने के लिए हमने सोचा भाई करंट ट्रांसफार्मर में टोटल दो वाइंडिंग होती है, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग करंट ट्रांसफार्मर की, एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग करंट ट्रांसफार्मर की, क्लियर है। दूसरी बात, करंट ट्रांसफार्मर के अंदर हमेशा याद रखना बेटा, अगर प्राइमरी साइड 500 एम्पियर है तो सेकेंडरी साइड सिर्फ 1 एम्पियर है, मतलब करंट ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसके अंदर प्राइमरी में बहुत ज्यादा करंट होता है बट सेकेंडरी में एक मामूली सा करंट होता है। तो हमने सोचा कि हमारी जो ट्रांसफार्मर की, करंट ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें उतना ही करंट फ्लो होगा जितना कि सोर्स से लोड की तरफ आ रहा है। फिर से बोलता हूं, हमारी ट्रांसफार्मर की, करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में उतना ही करंट फ्लो होगा जितना कि सोर्स से लोड की तरफ आ रहा है, जितना कि सोर्स से लोड की तरफ आ रहा है, जितना कि सोर्स से लोड की तरफ आ रहा है वही हमारा प्राइमरी वाइंडिंग करंट है। तो अगर बेटा वही मेरा प्राइमरी वाइंडिंग करंट है तो क्यों ना मैं इस वायर को ही प्राइमरी वाइंडिंग मान लेता हूं, क्यों ना मैं इस वायर को ही क्या मान लेता हूं, प्राइमरी वाइंडिंग, क्योंकि भाई जितना इसमें करंट है क्लियर है, वही आपका प्राइमरी वाइंडिंग में भी, तो क्यों ना इस वायर को ही अपन क्या मान लेते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग मान लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये जो वायर जा रहा है सोर्स से लोड की तरफ, जो वायर जा रहा है सर्किट ब्रेकर से लेकर के लोड की तरफ, वही वायर को क्या मान के चलेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, वही वायर को क्या मान के चलेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। और बेटा ये रही मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग, ये देखो
ठीक है, ये आपको दिख रही होगी, दिस इज माई सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक, ओके सर। अब बच्चा बच्चा जानता है, जब आप इतने से थे तब से जानते आ रहे हो कि अगर प्राइमरी साइड वोल्टेज, कोई भी ट्रांसफॉर्मर हो, प्राइमरी साइड वोल्टेज कम करोगे तो सेकेंडरी साइड भी कम होने लग जाएगा, प्राइमरी साइड वोल्टेज बढ़ाओगे तो सेकेंडरी साइड भी बढ़ने लग जाएगा, प्राइमरी साइड करंट कम करोगे तो सेकेंडरी साइड भी कम हो जाएगा, प्राइमरी साइड करंट बढ़ाओगे तो सेकेंडरी साइड भी बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली में क्या हुआ, अब गलती से आ गया बेटा मेरे सिस्टम पे फॉल्ट, क्या आ गया मेरे सिस्टम पे फॉल्ट, कहां आया फॉल्ट, ये यहां देखो, ये लोड के पास एकदम से भचाक से फॉल्ट आया, लोड के पास एकदम से बहुत तेजी से फॉल्ट आया। जैसे ही फॉल्ट आया तो भाई अब मेरा काम है मुझे अपने लोड को बचाना है, क्लियर है, नहीं सॉरी, मेरा काम है अपने इस लोड को बचाना है। भाई लोड के पास जैसे ही यहां पे फॉल्ट आया, ये देख यहां पे इस पॉइंट पे फॉल्ट आ गया, तो मुझे क्या करना है, मुझे कैसे भी करके अपने लोड को बचाना है, क्योंकि जैसे ही फॉल्ट आएगा तो बेटा ये जो सोर्स है इसके थ्रू यहां से आने वाला करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब फॉल्ट आता है तो सिस्टम के अंदर बहुत तेजी से करंट क्या होता है, बढ़ जाता है। अब जब सिस्टम में बहुत तेजी से करंट बढ़ेगा तो वो तो हमारे लोड को डैमेज कर देगा। मान लो 50 लाख रुपए का लोड लगा के रखा है हमने, मान लो 50 लाख रुपीस का लोड लगा कर रखा है, इतना हाई करंट से इतनी हीट जनरेट होगी कि आपका लोड क्या होगा, पूरी तरीके से वैनिश हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा। तो भाई हमने जैसे ही देखा कि यहां से बहुत तेजी से करंट आ रहा है, क्लियर है, तो तुरंत अगर वो बहुत तेजी से करंट आ रहा है तो सबसे पहले दिमाग कौन लगाएगा, तो दिमाग लगाने वाला बेटा कौन होता है, करंट ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर बोलेगा अगर सोर्स से करंट निकल चुका है, सोर्स से लोड की तरफ बहुत हैवी करंट आया है, तो तुरंत बेटा इसका मतलब ट्रांसफार्मर की, करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत हैवी करंट आ गया है। और अगर करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत ज्यादा करंट आया, मतलब करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में करंट चेंज हुआ, तो बाय डिफॉल्ट ये छोटी सी सेकेंडरी वाइंडिंग दिख रही है, इसमें भी थोड़ा सा करंट क्या हुआ, ज्यादा आया, इसमें भी थोड़ा सा करंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जैसे बेटा सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट ज्यादा हो गया, तो हमने यहां पे एक कॉइल लगा के रखी हुई है, तो जैसे सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट ज्यादा हुआ, ये आई की वैल्यू जो है वो बढ़ गई, तो यहां पे जाने वाला, इसको बोला हमने एक नॉर्मल, एक कॉइल है, सिंपल, अभी कुछ बोलना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, फालतू बात नहीं करना, पहले सुन लो सर्किट ब्रेकर काम कैसे करता है, उसके बाद की बातें करेंगे। तो गाइस जैसे ही करंट इधर से निकल के आया, मतलब करंट सेकेंडरी वाइंडिंग में बढ़ा, प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर ऑलरेडी करंट कुछ था, पहले मान लो 1000 एम्पियर था, तो सेकेंडरी में 2 एम्पियर था, 2 एम्पियर था, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सिस्टम चल रहा था। अचानक से फॉल्ट आया तो प्राइमरी वाइंडिंग में 5000 एम्पियर करंट फ्लो हो गया, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी 10 एम्पियर करंट हो गया। जैसे सेकेंडरी वाइंडिंग में 10 एम्पियर हुआ तो ये कॉइल में गया, कॉइल में गया तो अकॉर्डिंग टू रिस्ट्रेट लॉस ने तुरंत बोल दिया कि भाई इस कॉइल में जाओगे तो ये कॉइल के आसपास क्या बनाना पड़ेगी तुमको, मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉइल के आसपास जब तुमको मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ेगी, तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड बन गई। जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड बनती जा रही है, ये भाई मैग्नेटिक फील्ड बनती जा रही है, जितना ज्यादा ये करंट होगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही क्रिएट हो गई, अब ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। एक छोटे से बच्चे को बोलोगे बेटा 5 किलो का बोरी उठा लेगा तो नहीं उठा पाएगा, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक 10 किलो के बच्चे को बोलोगे 5 केजी का बोरी उठा ले, उठाने में हिम्मत खराब हो जाएगी। लेकिन एक 50 किलो के इंसान को बोलोगे 5 केजी का बोरी उठा ले, तो एक ही हाथ में भी उठा लेगा, एक ही हाथ में भी उठा लेगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जब तक आप स्ट्रांग नहीं तब तक आप चीजों को उठा नहीं सकते। ऐसे ही बेटा पहले मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बहुत कम थी, जब से फॉल्ट आया तो यहाँ पे करंट बढ़ गया, करंट बढ़ने से यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गई। जैसे ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गई तो बेटा ये देख क्या रखा हुआ है, हथौड़े जैसा, इसको बोलते हैं प्लंजर, ये प्लंजर बना है लोहे का। तो मैग्नेटिक फील्ड है इसके, इसकी जो पूंछ है प्लंजर की, वहां पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलती है, ओए प्लंजर तेरे को मैं अट्रैक्ट कर लूंगी। आपको भी पता है जब मैग्नेट के पास आप लोहे को लेके जाओगे तो लोहा अट्रैक्ट होता है, ए प्लंजर तुझे मैं अट्रैक्ट कर लूंगा, क्लियर है। तो ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड तुरंत उसी समय पे इस प्लंजर को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। जब ये प्लंजर को अट्रैक्ट करेगी, पहले ये प्लंजर हवा में था, जैसे इसने इसको अट्रैक्ट किया तो बेटा प्लंजर यहाँ आके अटक जाएगा। अटकेगा या नहीं अटकेगा, हाँ सर, जैसे अटक गया तो सोच बेटा ये सर्किट क्लोज हो गई। इस सर्किट में पहले से यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई थी, वो तो अलग बात थी कि पहले प्लंजर ऊपर था तो ओपन सर्किट था तो कोई करंट फ्लो नहीं होता था। जैसे प्लंजर नीचे आके अटक जाएगा, देखेगा अरे इधर वीडीसी लगा हुआ है, तो तुरंत ये सप्लाई करंट क्या करेगा, एक सप्लाई वोल्टेज क्या, ये वीडीसी क्या करेगा, एक करंट फ्लो करवा देगा। जैसे ये करंट फ्लो करवाएगा तो इस कॉइल के अंदर भी क्या डेवलप हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी तो यहां पे भी रखा है प्लंजर, ये क्या बोले,
बोलेगा ओए प्लंजर तू मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जा, तो ये तुरंत इस प्लंजर को अट्रैक्ट करेगा और यही प्लंजर आपका सर्किट ब्रेकर का मूविंग कॉन्टेक्ट होता है और मूविंग कॉन्टेक्ट फटाक से इधर खींच के आ जाएगा। तो ये जो पहले मूविंग कॉन्टेक्ट यहाँ पे चिपका हुआ था फिक्स कॉन्टेक्ट से, अब मूविंग कॉन्टेक्ट अलग हो गया, तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया, सोर्स से नीचे करंट जाना बंद हो जाएगा और आपका लोड बच जाएगा। तो ये वो पहली कॉइल थी जिसने इस प्लंजर को खींचा था, इसीलिए इसको बोल देते हैं रिले कॉइल और ये कहलाता है सर्किट ब्रेकर। खत्म। कि पहली बार तुमको जिंदगी में समझ में आया कैसे मैकेनिज्म बनती है और कैसे काम होता है? क्या पहली बार तुमको जिंदगी में समझ में आया कैसे मैकेनिज्म वर्क करती है? तो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में सर्किट ब्रेकर के फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट दोनों आपस में चिपके हुए रहते हैं, और जब वर्किंग कंडीशन की बात आने लगती है, वो फॉल्ट जब आता है तो रिले कॉइल की प्राइमरी में करंट आ जाता है। क्लियर है? रिले कॉइल की प्राइमरी में करंट बढ़ जाता है क्योंकि रिले कॉइल में वही प्राइमरी में करंट होता है जो लोड में जा रहा होता है। तो अचानक से सेकेंडरी में बढ़ता है, सेकेंडरी में अचानक से बढ़ता है, तो बेटा ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बना लेती है, तुरंत फटाक से प्लंजर को खींचती है। प्लंजर अगर एक बार नीचे आ गया तो ये कॉइल इधर से इसमें करंट फ्लो होने लगता है, इधर से इसको खींच लेती, बाहर हो जाता है। एकदम परफेक्ट, गुड सर। सीटी वाला एक बार और समझा दीजिए। चलो एक बार और बता देता हूँ। रौनक आराम से दिमाग लगाना, कॉन्सेंट्रेट करना बिल्कुल ठीक है। चल देख, सिंपल सी बात है। पहले ये सोर्स है, तेरा सर्किट ब्रेकर है। पहले तेरे सर्किट ब्रेकर के अंदर दो फिक्स कॉन्टेक्ट होते हैं, एक ये मूविंग कॉन्टेक्ट होता है। तो फिक्स और मूविंग आपस में दोनों कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है? नीचे है ना, पहली बार क्लियर नहीं हुआ था बट आज क्रिस्टल क्लियर, शुक्रिया। क्या बात है कल्पना, शुक्रिया, बहुत बढ़िया। चलो तो गाइज यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये दो फिक्स कॉन्टेक्ट है और ये आपका एक मूविंग कॉन्टेक्ट है। क्लियर है? तो फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट पहले क्लोज रहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा सर्किट कनेक्टेड रहता है। और ये बेटा लोड है, तो बढ़िया करंट फ्लो हो रहा था ऊपर से नीचे तक, कोई दिक्कत नहीं थी। बढ़िया करंट फ्लो हो रहा था ऊपर से नीचे तक, कोई दिक्कत ही नहीं थी कहीं से कहीं तक, ठीक है? और बेटा यही हमारी प्राइमरी वाइंडिंग भी है करंट ट्रांसफॉर्मर की। आप ये मान लो कि जो करंट सोर्स से निकल रहा है सर्किट ब्रेकर में जा रहा है, जो लोड में जा रहा है, वही एक्चुअल करंट जो होता है आपका, वही एक्चुअल करंट ट्रांसफॉर्मर की सीटी, करंट ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर रहता है। ओके फाइन सर। अब करंट ट्रांसफॉर्मर की जब प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर वही करंट रहता है, हाँ सर बिल्कुल रहता है, तो बेटा सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो इस तरीके की होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो ये रही, तो अब क्या हुआ, फॉल्ट आया लोड के पास। तो भाई हम चाहते हैं कि भाई लोड के अंदर अब करंट ना जाए, क्यों? क्योंकि लोड डैमेज हो जाएगा, तो हम चाहते हैं करंट लोड के अंदर नहीं जाना चाहिए। बट सोर्स क्या बोलेगा, भाई मैं तो कनेक्टेड हूं, मैं तो भेजूंगा, तो सोर्स तो सुनने वाला नहीं है। सर्किट ब्रेकर बोलेगा मैं क्या कर सकता हूं, मेरा फिक्स कॉन्टेक्ट इससे कनेक्टेड है, मेरा मूविंग कॉन्टेक्ट अलग कर लो, यहां ओपन सर्किट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तब हमने दिमाग लगाया, एक काम करते हैं, सीटी के प्राइमरी में जब करंट बहुत तेजी से बढ़ेगा तो बेटा सीटी के सेकेंडरी में भी बढ़ेगा। जब ये सीटी का सेकेंडरी, यही वाला जो छोटा वाला दिख रहा है, ये बड़ा, तो इस कॉइल के अंदर बेसिकली क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा डेवलप हुई। जब इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा डेवलप हुई तो इसने तुरंत इस प्लंजर को क्या करा, खींच दिया। जब इसने इस प्लंजर को खींच दिया तो ये प्लंजर यहाँ पे आके अटक गया। जब ये प्लंजर यहाँ के अटक गया तो बेटा ये सर्किट क्लोज हो गई। देख, दिख रही, क्लोज 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 क्लोज, प्लंजर अटका हुआ है, हाँ सर प्लंजर अटका हुआ है, तो ये सर्किट क्लोज हो गई। जैसे ही सर्किट क्लोज हो गई भैया, तो यहाँ पे एक सप्लाई लगी हुई है VDC नाम की, वो तुरंत इस सर्किट के अंदर एक करंट फ्लो करवा देगी, तो इस कॉइल में भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, ये एक्चुअली इस प्लंजर से कनेक्टेड है जो कि एक्चुअली सर्किट ब्रेकर का मूविंग कॉन्टेक्ट है, उसको फटाक से अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। जैसे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो मूविंग कॉन्टेक्ट फिक्स कॉन्टेक्ट से अलग हो जाएगा, यहाँ पे एक ओपन सर्किट क्रिएट हो जाएगा, तो ऊपर से नीचे आना करंट बंद हो जाएगा, आपका लोड बच जाएगा। क्लियर? आपका लोड बच जाएगा। अब बात आती है कि बेटा जब ये मूविंग कॉन्टेक्ट इसके फिक्स्ड कॉन्टेक्ट के क्लोज में था, मूविंग कॉन्टेक्ट जब फिक्स्ड कॉन्टेक्ट के क्लोज में था तो बहुत हैवी करंट कैरी कर रहा था। आप सब जानते हो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। सर सर्किट ब्रेकर खराब हो जाए तो रिप्लेस करना पड़ेगा या रिपेयर, क्योंकि आज ही सर्किट ब्रेकर से धुआं निकल गया। उत्तम वो डिपेंड करता है कि खराबी किस चीज में आई है, ठीक है? वो डिपेंड करता है खराबी किस चीज में आई है। अगर आपका डायलेक्ट्रिक मीडियम की दिक्कत है तो आप डायलेक्ट्रिक मीडियम चेंज कर सकते हो, बट अगर पर्टिकुलरली आपके कॉन्टेक्ट्स ब्रेक हो गए, कॉन्टेक्ट्स आपके जल गए आर्क पिंचिंग की वजह से, है ना, आर्क की वजह से, तो यू हैव टू रिप्लेस इट, नो ऑप्शन यू हैव, ठीक है? चलिए अब गाइस यहाँ पे जरा देखेंगे आप लोग, ये फिक्स्ड कॉन्टेक्ट से मूविंग कॉन्टेक्ट परमानेंटली क्लोज रहता था। तो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में सोर्स से लोड की तरफ एक करंट जाता रहता था, तो एक एनर्जी एसोसिएटेड थी इसके पास,
कौन सी मैग्नेटिक फॉर्म में, क्या नाम था एनर्जी का, हाफ एल आई स्क्वायर। सर्किट ब्रेकर के पास एक एनर्जी एसोसिएटेड थी, क्या नाम था उसका, हाफ एल आई स्क्वायर। क्यों होगी भाई, क्योंकि करंट जा रहा है, अचानक से तुमने करंट को जीरो कर दिया, मतलब मूविंग कॉन्टेंट को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो जो एनर्जी है बेटा वो खत्म तो होनी जाएगी, तो एनर्जी तुरंत उसी समय कन्वर्ट हो जाती है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में, जिसका नाम है हाफ सी वी स्क्वायर। क्लियर है, तो मैं एक चीज बताता हूँ यहाँ पे आपको, जरा सुनने की कोशिश करना, सब कुछ लिखवाया है ना, बिफोर फॉल्ट अकर्स मूविंग कॉन्टेक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर इज क्लोज विद फिक्स्ड कॉन्टेक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर, सोर्स से सर्किट ब्रेकर में करंट जाता है, सर्किट ब्रेकर से लोड में जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर इज नथिंग बट अ ट्रांसमिशन लाइन वायर, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग कुछ नहीं है, ट्रांसमिशन लाइन का वायर ही है, व्हेन फॉल्ट अकर ट्रांसमिशन लाइन का करंट इंक्रीज होगा, जब ट्रांसमिशन लाइन का करंट इंक्रीज होगा हेंस प्राइमरी वाइंडिंग सीटी करंट इंक्रीज होगा, सो दैट सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट ट्रांसफॉर्मर करंट भी इंक्रीज होगा, हेंस करंट इन रिले कॉइल इंक्रीजेस, तो रिले कॉइल मतलब कौन सी कॉइल, जो पहली वाली है ना, उसमें फ्लक्स बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, प्लंजर को अट्रैक्ट करेगा और सर्किट को क्लोज कर देगा, व्हेन द सर्किट इज क्लोज करंट फ्लो इन द सर्किट, तो फ्लक्स डेवलपमेंट होगा, जब ये एक फ्लक्स डेवलपमेंट होगा हेंस मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो अट्रैक्ट करेगी। क्लियर है, बहुत बढ़िया संदीप भाई, हेंस दिस मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट द मूविंग कॉन्टेक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर, हेंस सर्किट ब्रेकर लूजेस इट्स कॉन्टेक्ट फ्रॉम फिक्स्ड कॉन्टेक्ट एंड सर्किट ब्रेकर ओपन्स, नो करंट फ्लोस फ्रॉम टू द लोड। अब इस पूरे ऑपरेशन में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं बताता हूं आपको पूरे ऑपरेशन में एक दिक्कत क्या हुई, जरा सुनना, पूरे ऑपरेशन में क्या दिक्कत हुई, ये वो रहा सर्किट ब्रेकर आपका, ठीक है, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं इसको, दिक्कत क्या हुई जरा सुनना, पूरे ऑपरेशन की दिक्कत क्या है जरा सुनना, सर्किट ब्रेकर में बेटा दो तो फिक्स्ड कॉन्टेक्ट हैं और एक इसका मूविंग कॉन्टेक्ट है, क्लियर है, ओके, आफ्टर द फॉल्ट, फॉल्ट आने के बाद रिले कॉइल ने फॉल्ट को सेंस किया, ठीक है, तो मूविंग कॉन्टेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर का दूर भागेगा, मूविंग कॉन्टेक्ट दूर भागेगा, कैसे दूर भागेगा जरा देखो, तो ये देखो बिफोर फॉल्ट की सिचुएशन है, ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो ये बिफोर फॉल्ट की सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है बिफोर फॉल्ट की है, कैसे, ये रहा फिक्स कॉन्टेक्ट आपका, ठीक है, बिफोर फॉल्ट की ये सिचुएशन है, जरा देखना ये वाली, तो ऊपर से बढ़िया करंट आ रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, तो बिफोर फॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो करंट जो था वो बहुत हाई था, लेकिन अगर आप वोल्टेज की बात करोगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो भाई क्या ही वोल्टेज होगा भाई, जो करंट इधर से इधर जा रहा है तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या, नहीं होगा, सब कुछ सीरीज में ही है, तो कॉन्टेक्ट के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो कितना था, जीरो। लेकिन जब बेटा ये ब्रेकर दूर दूर हुए तो यहां पर जो करंट है वो अचानक से जीरो होगा, बट इन दोनों पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है वो काफी हाई हो जाएगा, काफी हाई हो जाएगा, जैसे ही इन दोनों पॉइंट के बीच में काफी हाई वोल्टेज हो जाएगा, तो आप ऐसे समझो ये एक पॉइंट है इस पे 21000 वोल्ट है, ये एक पॉइंट है इस पे 0 वोल्ट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में हवा है, तो क्या हो जाएगा, बीच में आर्क डेवलप हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे तरीके हैं बोलने के, पहला तरीका लोगों को समझाने का ये होता है, लोग ये बोलते हैं कि भाई जब यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा था तो बहुत एनर्जी थी करंट की, अचानक से आपने क्या करा, दूर करा, जैसे आप अपने घर में भी क्या करते हो, स्विच प्लग को जब बाहर निकालते हो चट 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 स्पार्क बनने लगता है, क्यों बनने लगता है, क्योंकि क्या होता है जब आपका स्विच प्लग अंदर लगा रहता है तो उसमें बहुत हैवी करंट होता है, जब आप उसको बाहर निकालते हो तो करंट जीरो होने लगता है, तो वो जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होने लगती है वोल्टेज के फॉर्म में, क्लियर है, वोल्टेज के फॉर्म में, जब वहां पे वोल्टेज क्रिएट हो जाता है तो हवा का जो होता है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपको चट 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 स्पार्क क्रिएट करते हुए दिखता है। सेम बेटा यहां से यही होता है, जब मूविंग कॉन्टेक्ट को हम दूर करते हैं तो ये एंटायर एनर्जी जो पहले एसोसिएटेड थी सर्किट ब्रेकर के साथ, वो एंटायर एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर के फॉर्म में एसोसिएटेड थी, अब वो कन्वर्ट हो जाती है हाफ सीवी स्क्वायर में, और फाइनली यहां पे क्या क्रिएट हो जाता है बेटा, हाई वोल्टेज, और करंट तो जीरो हो जाता है बट हाई वोल्टेज क्रिएट कर देता है, जो बेटा इस कॉन्टेक्ट पर, इनके जो कॉन्टेक्ट है इनके बीच में, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके की आर्क डेवलप कर देता है। अब ये आर्क हमारे लिए क्यों दिक्कत है बताता हूं, आर्क डेवलप कर देगा तो मान लो बेटा आर्क का जो टेम्परेचर होगा उससे हमारे जो ये कॉन्टेक्ट्स हैं, जिसको आप बोलते हो फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टेक्ट, ये डैमेज हो जाते हैं, तो कभी हमको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी इस आर्क को बुझाना है, आर्क तो भाई डेवलप होगी लेकिन हमें जल्दी से जल्दी आर्क को बुझाना है, तो अगर हम आर्क को वैक्यूम की मदद से बुझाएं तो उसको बोलते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, अगर हम आर्क को हवा के प्रेशर से बुझाएं तो उसको बोलते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, अगर हम आर्क को SF6 सर्किट सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस से बुझाएं तो उसको बोलते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर, अगर मैं आर्क को ऑयल से बुझाऊं तो उसको बोलते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर। क्या ये बात समझ में आती है, तो एक सेशन को लाइक करेंगे यार सभी लोग, यार एक सेशन को लाइक करेंगे सभी लोग अगर ये बात समझ में आती है,
ठीक है। अब कब आर्क ज्यादा डेवलप होगी, कब आर्क कम डेवलप होगी, क्लियर है ना? कब आर्क ज्यादा डेवलप होगी, कब आर्क कम डेवलप होगी, तो कौन सा इंसुलेटर ज्यादा अच्छा होगा ज्यादा आर्क के लिए, ठीक है। डीसी के केस में कौन सा सर्किट, डीसी के केस में कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज करोगे, कितने केवी के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज करोगे, ये सारे क्वेश्चन, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, मेकिंग करंट क्या होता है, ब्रेकिंग करंट क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आज मैं आप लोग के लिए शाम को 7:30 सॉरी 7 बजे वाली क्विज के अंदर लेके आऊंगा। करीब करीब 10 से 15 ऐसे क्वेश्चन जो सर्किट ब्रेकर में सदियों से पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको मजा आ जाएगा। पेज तो ठीक से दिखाओ सर, स्क्रीनशॉट लेना है। चटक गई वो, कौन अनुषी चटक गई अभी। पेज ठीक से दिखाओ मास्टर, पेज ठीक से दिखाओ, ठीक है। तो शाम को मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं इसके आगे के पैरामीटर्स, कि कौन सा सर्किट ब्रेकर कौन से वोल्टेज के लिए कितनी रेटिंग के लिए यूज होता है, कौन सा सर्किट ब्रेकर क्या होता है। यस उत्तम भाई, कौन सा सर्किट ब्रेकर क्या होता है, कौन सा सर्किट ब्रेकर क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें बता दूंगा भाई। पीडीएफ पेड बैच की, ये बैच क्या थोड़ी होती है, पीडीएफ तो टॉपिक की होती है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत ही प्यारे वे में, क्लियर है। शाम को हम 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है। शाम को हम 10 से 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, और इन 10 से 15 क्वेश्चन के अंदर अंदर आपको एकदम अलग ही लेवल की फीलिंग आ जाएगी, आपको लगने लगेगा कि ठीक है भाई सर्किट ब्रेकर अब बनने लगा, क्लियर। चल चलो अब 2 मिनट मेरी बात सुन लेना, काफी बच्चे मुझे पता है यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं, है ना, उनके नेम से मुझे समझ में आ जाता है, दैट इज व्हाट द रीजन आई एम टेलिंग यू। तो गाइस एक बहुत ही प्यारा बैच आप लोग के लिए लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल जेई लाइव कोचिंग बैच 4। 3 बैच ऑलरेडी खत्म होने की सिचुएशन पे, तो बैच 4 लॉन्च हुआ है। बैच 4 15 फेब से स्टार्ट होने वाला है। जो भी बच्चे कल्पना मेरे को टेलीग्राम पे भेजना, ये बता दूंगा तेरे को, ठीक है, मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं तेरे को बता दूंगा। तो जो भी बच्चे बेटा चाहते हैं एक्चुअल में जेई एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना, और जितने डिटेल में मैंने आपको ये टॉपिक बताया उसी डिटेल में हर टॉपिक को पढ़ना, हर टॉपिक को समझना, क्लियर है, तो गाइज आप लोग बढ़िया एकदम इस बैच को ज्वाइन करो। ये बैच 15 फेब से स्टार्ट होने वाला है, आज 10 फेब्रवरी ऑलरेडी हो गई है, 4 दिन का टाइम बचा हुआ है, क्लियर है। और आपके पास कुछ काम है भी नहीं इन 4 दिन में करने के लिए, जिनके पास है उनका 15 उनका कुछ भी नहीं होने वाला आगे चल करके। तो 15 फेब से, है ना, ऐसा मजाक कर रहा हूँ, ऐसा दिल पे मत ले लेना कोई, ठीक है, तो ऐसा दिल पे मत ले लेना, सब चीज अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 फेब से गाइस ये बैच स्टार्ट होगा, जून में ये कंप्लीट होगा, 1 ईयर इसकी वैलिडिटी रहेगी, 799 रुपीज की इसकी राइट नाउ प्राइस है। बट अगर आप अभी 3 घंटे के अंदर अंदर इस कूपन कोड को यूज करें, तो आप कौन सा कूपन कोड है, मोहित के, तो इंस्टेंट 37% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और यही बैच आपको सिर्फ 3400 रुपीज का मिल जाएगा। गाइस इस बैच के अंदर 160+ लाइव क्लासेस है, 320+ घंटे का ये सिलेबस है, 4000 प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल है, साथ में एक डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म भी आपको मिलता है, ताकि आप अपना डाउट पुट अप करें, विद इन 1 आवर इसका सोल्यूशन मिल जाए। तो गाइस जो शाम को क्विज होती है उसका जो विनर होता है उसको इसी बैच के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने को मिलता है। सिमिलरली गाइज एक और बैच लॉन्च हुआ है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल ए लाइव कोचिंग, तो बाकी सारी चीजें तो सेम है, कौन सा कोड यूज करना है, क्या करना है, बट इस बैच के अंदर 200 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सर, सर्किट ब्रेकर अच्छे से आज ही समझ में आया, क्या बात है, क्या बात है रौनक भाई, क्लियर। तो गाइज बट इसके अंदर 200 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस भी इसके अंदर रहेगा, इसी वजह से इसका कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, तो जितना जेई में उतना तो है ही, प्लस इसमें 200 घंटे एक्स्ट्रा भी है। गाइज ये बैच भी आपका 15 फेब से स्टार्ट होने वाला है, क्लियर, ये बैच भी आपका 15 फेब से स्टार्ट होने वाला है, इसकी प्राइस 10,000 रुपीज है, लेकिन अगर आप इस कोड को यूज करते हैं मोहित के, यही बैच आपको सिर्फ 4440 के आसपास मिल जाएगा, क्लियर है। स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर 2 पोर्ट नेटवर्क दोनों सौविक भाई मेरी एमआईटी की लिस्ट में, चिंता मत करो, एमआईटी की लिस्ट मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में। आफ्टर दैट गाइज मैं आपको यही बोलूंगा कि जब आप लोग पर्टिकुलर बैच के अंदर एनरोल्ड हो जाओगे, तो आप डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने लगोगे, तो तब आपको अपने इवेल्युएशन करना पड़ेगा, अपना सेल्फ इवेल्युएशन करना पड़ेगा कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, आपने पढ़ लिया है, आप मेन एग्जाम में कोई गलती तो नहीं कर दोगे, आपकी एक्यूरेसी वीक तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। ये सारी गलतियां आपको पता करने के लिए आपके पास इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज, जिसको सिर्फ टेस्ट बुक पास बोला जाता है, वो आपके पास होना चाहिए, जिसके अंदर बेटा टोटल 34,000+ मॉक टेस्ट मिलते हैं, इसीलिए बेस्ट है, प्लस 470+ एग्जाम्स को कवर अप किया जाता है। तो गाइस आपके पास टेस्ट बुक पास होना ही चाहिए, आपको गूगल पे अभी सर्च करना है टेस्ट बुक पास, और इस पर्टिकुलर कोड को यूज कर लेना है जिसका नाम है मॉक पास, ताकि आपको इंस्टेंट 15% डिस्काउंट मिल जाए, और आपको साल भर के लिए, तो आपके पास होनी चाहिए साल भर के लिए, आपको सिर्फ 300 रुपीज के आसपास मिलता है, और 540 लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। तो गाइस ये जो टेस्ट बुक पास है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप जेई के स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल के देना है, 10 टेस्ट दियो खत्म हो गया, नहीं भाई, टोटल 34,000 मॉक टेस्ट है, एप्टीट्यूड चाहे कोई भी एग्जाम का हो, चाहे जेईई चाहे नॉन टेक्निकल का हो, रीजनिंग,
कुछ भी हो, इंग्लिश कुछ भी हो, हिंदी कुछ भी हो, स्टैटिक जीके कुछ भी हो, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कुछ भी हो, करंट अफेयर्स कुछ भी हो, प्लस आपके जेई के जितने भी इंडिया के एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए यहाँ पे करीब करीब इतने टेस्ट पड़े हुए हैं कि आप पागल हो जाओगे करते करते। तो यार ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपना परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हो, तो ये आपके पास होना चाहिए। और आपको कोई भैया दीदी अगर बोलता है, आपको कोई बोलता है कि यार हम फलाना एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या करें, कोई बोलता है रेलवे की प्रिपरेशन करें, पिछली बार निकला इस बार निकालना है क्या करें, तो गाइस आप भी उनको ये सजेस्ट कर सकते हो। उनको मैं पढ़ा तो नहीं सकता हूं, लेकिन उनको मैं ये सजेस्ट जरूर करवा सकता हूं आपके थ्रू कि एटलीस्ट उनके पास टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज या टेस्ट बुक पास होना चाहिए। क्लियर है? तो आप उनको बता सकते हो तरीका क्या है, गूगल पे टेस्ट बुक पास सर्च करें, मॉक पास यूज करें और ये लें, ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार लेंगे। और गलतियां अगर सुधर गई तो यकीन मानो बेटा मेन एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है। क्लियर? ये आप उनको बता सकते हैं। बट अगर उनको लगता है कोई कोर्स भी उनको करना है, तो टेस्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे जितने भी कोर्सेज है, चाहे वो बैंकिंग क्यों, एसएससी क्यों, आप उनको बता सकते हैं। कोड आपको यही यूज करना है, ताकि आपको इंस्टेंट 37% डिस्काउंट मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड मोहित के। तो मोहित के इज फॉर कोर्स एंड दिस इज फॉर टेस्ट सीरीज। आफ्टर दैट गाइज, और चीज बता देता हूं, आपके पास मेरा टेलीग्राम चैनल होना चाहिए। आपको उन्हें खरीदा है कल ही, क्या बात है रवि भाई, बहुत बढ़िया, लव यू यार। तो गाइज आप लोगों के पास मेरा टेलीग्राम चैनल होना चाहिए, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। टेलीग्राम पे ही हजारों बच्चे सारे जुड़े हुए हैं, जो कि क्लास रेगुलर आते हैं, चाहे वो पेड बैच में, चाहे यूट्यूब में हो, चाहे कहीं पे भी हो। गाइज द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज मोहित कासन्या सर टेस्ट बुक। यहाँ पे आप डेली पीडीएफ, डेली क्लास की लिंक, कुछ डाउट डिस्कस करना हो, मुझसे कुछ पर्सनल बात करना हो, जो भी करना हो आपको कर सकते हो। ये फोटो दिखेगी, वही वाला चैनल ज्वाइन करना है। तो भाई शाम को 7 बजे हमारी क्विज होगी, उसकी लिंक मैं टेलीग्राम पे भेजूंगा। और 5 बजे हमारी एक और क्लास होती है यूट्यूब पर, जो जैसी होती है वो वैसी होती है, काफी बच्चे जाते हैं वहां पे। हम लोग पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट टॉपिक से अलग अलग छांट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं काफी सारे। ठीक है? चलिए, तो गाइस आज के लिए इतना काफी है। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। और जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर कर देना यार।